अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ज़ुबैर खान, और आप देख रहे हैं फ़िशिंग विद ज़ैक। दोस्तों, मेरा चैनल तो नया है लेकिन मीडिया से मेरा काफ़ी पुराना ताल्लुक है। आप में से शायद कुछ लोग मुझे जानते भी हैं और बहुत से लोग शायद नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताता चलूँ कि मैं माजी में एज एन एक्टर काम करता रहा हूँ, बट अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से मेरा दिल बदल दिया अल्लाह पाक ने और मैंने एक्टिंग को क्विट कर दिया है। एक्टिंग क्विट करने के बाद मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो मैंने सोचा कि YouTube पे अपना चैनल बना के व्लॉगिंग स्टार्ट करूं, और व्लॉग स्टार्ट करने के लिए मुझे कंटेंट की ज़रूरत थी, तो फ़िशिंग से बेस्ट ऑप्शन मेरे पास कोई नहीं था, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हूं और काफ़ी अरसे से फ़िशिंग करता रहा हूं। तो इसीलिए हमारी आज की ये वीडियो भी जो है वो फ़िशिंग से रिलेटेड है। आज हम अब्दुलरहमान घोट में आए हैं फ़िशिंग के लिए, और यहाँ आज जो भी अपडेट आती है, जिस तरह की भी अपडेट होगी, मछली लगती है नहीं लगती है, मैं कोशिश करूंगा कि पूरी डिटेल के साथ आपको सारी चीज़ें दिखा सकूं। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए मेरे साथ। जी तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ की लोकेशन, ये अब्दुलरहमान घोट है, और ये देखिए आप समंदर का व्यू कितना शांत और ख़ूबसूरत लग रहा है। वैसे रिपोर्ट बिल्कुल बुरी है, कोई भी शिकारी इतने ज़्यादा हमें नज़र नहीं आए, चंद कोई दो तीन पार्टियां आई हैं फ़िशिंग पे, और हमने यहाँ के नाकवा से भी बात की तो उन्होंने बताया कि मछली की कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं है फ़िलहाल। तो देखेंगे इंशाल्लाह, हम अपना नसीब तो आज़माएँगे, अल्लाह ने चाहा कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ये सामने अली मुराद भाई है हमारे, ये बहुत अच्छे नाकवा है और बहुत ज़बरदस्त शिकारी भी है। और मेरे साथियों में जो है वो आज मैं आपको उनका तारुफ कराता चलूँ, तो ये देखिए ये हमारे महबूब भाई हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं और बेहतरीन शिकारी भी हैं, उस्तादों के उस्ताद भी हैं। महबूब भाई कुछ बोलेंगे आप? हम अपने स्पॉट पर पहुँचेंगे, जो वहाँ हम वहाँ के हालात और फ़िशिंग के मामले में आपको वहीं पर इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है ना धूप बहुत तेज़ है, और जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम जो है ना ज़हनी तौर पर तैयार हो रहे हैं कि हमें कौन कौन सी मछलियाँ पकड़नी है। आँखें क्यों बंद की हुई आपने भाई? भाई ऊपर ये जो आँख का शोला जल रहा है ये हमारे नाकवा है जिनके साथ आज हम जाएँगे। सालू भाई बेहतरीन शिकारी हैं, हम जितनी मछली पकड़ते हैं ये उतनी अकेले में पकड़ते हैं, बहुत ही क्लास के शिकारी और बहुत ही बेहतरीन नाकवा है। ये किस्मत से हमें मिल गए, ये ले जाते नहीं है वैसे पार्टी को, ये किस्मत से आज हमें मिल गए हैं। अगर मतलब सालू भाई मैं अगर कहूँ आप पार्टियाँ आपसे रब्ता करना चाहें तो आप ले जाएंगे उन्हें? बिल्कुल, मैं आपको इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो अगर कोई इनके साथ जाना चाहे तो इनसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पार्टनर्स में उस्तादों के उस्ताद नज़ीर उस्ताद, ये हमारे नज़ीर उस्ताद हैं, ये मेरे चाचा भी हैं। चाचा ज़रा ये हटाएं आप। ना, 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 यार ना, ना, अरे ना, यार ये आप हटाएं यार, यार आप सीनियर इस तरह करेंगे आप पहचाने तो सही। बहरहाल दोस्तों, ये मेरे चाचा हैं, मेरे वालिद के बाद अगर कोई है मेरे चाचा, मेरा बाप, मेरा दोस्त, सब कुछ यही है। इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत अच्छे शिकारी है। ठीक है, ये सालू भाई, सालू भाई आपकी बच्ची है ये? हैं नवासी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा क्या हाल है आपका? अच्छा, ये मेरा कज़न है इरफान, ये जो चाचा हैं ये इनका बेटा है, इनके साहबजादे हैं, इरफान नाम है इनका, ये भी बहुत आउट क्लास शिकारी है। इरफान भाई आप तो कुछ बोल दें प्लीज़ आज की। अभी हम जाएंगे पावर हाउस के बाहर इंशाल्लाह, बस कोशिश करेंगे कि अच्छा शिकार हमें मिल जाए। सालू भाई के साथ हैं तो उम्मीद है कि सालू भाई हमें निराश नहीं करेंगे, बाकी हमारा नसीब हमारे साथ है। मैं आपको वक्फे वक्फे से अपडेट करता रहूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, ये जो सामने से कश्ती आपको दिख रही है आते हुए, ये है हमारी कश्ती, और यदि आ रही है हम इस पर बैठेंगे। एक चीज़ बताता चलूँ कि जब भी आप लोग यहाँ पर आएँ तो बोट में जाते वक्त प्लीज़ लाइफ जैकेट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है फ़िशिंग के मनिस्बत। और दूसरा ये कि धूप बहुत तेज़ होती है तो सनब्लॉक का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि
दो तीन घंटे में ही जो है वो कश्ती में आपकी स्किन जो है ना वो बिल्कुल लाल। चलो चलो भाई, चलो भाई आ जाओ चलो। ओके रशीद, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, ठीक है ना। गुड़िया आप भी आ रही हो हैं? ए गुड़िया, ए छोटू आप भी आ रही हो? आ रही हो आप? मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। क्या पानी है माशाल्लाह, ये देखिए, ये है हमारी कश्ती। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तो हम रवा दवा हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये देखिए आप, ये व्यू चेक करें सर। बेटी भाई हैं आपस में दोनों, क्योंकि इन दोनों में इत्तेफाक और मोहब्बत बहुत है। शिकार भी लगती है इन्हें, जब शिकार भी अगर बहुत सारा लगता है तो ये किसी को भी नहीं देते, अपने साथ घर ले जाते हैं। देखिए क्रीम आ रही है, जी हाँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इस क्रीम का। ये चेहरे पर लगाने के बाद इसकी मुझे भी ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा स्मार्ट और काला कहीं ना हो जाऊँ। दोस्तों हमारा पॉइंट आ चुका है और यहाँ पर हम जो है वो अपना लंगर करेंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अच्छे से अच्छा शिकार अता फरमाएं, कोशिश पूरी करेंगे। दोस्तों ये जो पॉइंट है जहाँ पर हम अभी लंगर करेंगे, इसे दिल का पत्थर कहा जाता है। अच्छी जगह है, अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर देखेंगे मछली का कोई सिस्टम है, नमूना है तो ठीक है, वरना यहाँ से फिर हम मूव करके दूसरे पॉइंट पर जाएंगे। लेट्स सी इंशाल्लाह, देखते हैं यहाँ पर। ये हमारे इरफान भाई को मछली लगी है दोनों डोर पे, अब देखते हैं क्या है ये। डांबा माशाल्लाह, क्या है भाई दिखाओ जरा। अच्छा ये डांबा, दूसरे पे क्या है भाई? वो झड़प वाला मच्छी है, मुल्ला है वो। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, चाया चाया करार भाई जरा ऊपर कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, पहली मछली अल्हम्दुलिल्लाह चाया, माशाल्लाह जबरदस्त। दोस्तों ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मछली हमारी आई है और कनर्चा है ये, से पोता भी कहते हैं। ये देखिएगा आप माशाल्लाह से। ये हमारे महबूब भाई को भी मछली लगी है, अभी देखते हैं क्या निकालते हैं ये, अल्लाह करे कोई अच्छी चीज़ हो। अरे माशाल्लाह चाया, अगेन अगेन चाया, ये देखिए दोस्त माशाल्लाह। हालांकि आज लोगों का ये कहना था कि हवा चलेगी और मछली बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये है कि ये डिपेंड माशाल्लाह से मेरे चाचा को भी लग गया एक और चाया। ये देखिएगा आप जूम करके, ये माशाल्लाह बेहतरीन भाई बेहतरीन। इरफान भाई को दोबारा से माशाल्लाह से स्ट्राइक हुई है और देखते हैं कि क्या निकाल रहे हैं। देखिए ये छोटा गिस्सर, चल है नॉट बैड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आ रहा है भाई? अरे माशाल्लाह बेहतरीन साइज का डामा महबूब भाई ने मार दिया भाई। जी 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 भाई, मछली तो फिलहाल लग नहीं रही है, हमने सोचा क्या बोलते हैं इरफान इसको, गुड़ का लड्डू पुलेल, हाँ पुलेल खा लिया जाए। चार पांच चाय मारी हमने, उसके बाद कुछ नवाज़ शरीफ लगे छोटे मोटे और
उसके बाद महबूब भाई को दो तीन कनर्चे लग गए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं ख़ुद भी शिकार कर रहा था, तो अभी तो फ़िलहाल मछली नहीं लग रही है, इसलिए हमने सोचा कि लंच ब्रेक लिया जाए। तो खाना खाने लगे हैं हम, खाने के बाद फिर इंशाल्लाह दोबारा ट्राई करेंगे। छोले और रोटी, दोस्तों महबूब भाई को स्ट्राइक हुई है और माशाल्लाह से अच्छा दाना लग रहा है, देखते हैं क्या है। ऐसा भाई, ऐसा यही चाया ही लग रहा है चाया। अरे माशाल्लाह, ये देखिए दोस्तों, बेहतरीन बेहतरीन, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुपरस्टार, बेहतरीन भाई, बेहतरीन दाना। ओके भाई, इरफान को स्ट्राइक हुई है माशाल्लाह से, देखते हैं क्या है ये। माशाल्लाह भाई, गिसर गिसर बेहतरीन, चिनिया गिसर। अगेन इरफान भाई को स्ट्राइक हुई है और देखते हैं कि क्या निकाल रहे हैं। अरे माशाल्लाह, कनर्चा, यस यस, महबूब भाई मछली निकालते हुए, देखना है कि क्या है। डामा डामा डामा, ओ शिट, ओए 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 ओए, ऊपर का तरह खतरनाक, वेरी डेंजरस। महबूब भाई ने जगह बदल ली, मेरी जगह पे आ गए और यहाँ पर इनको माशाल्लाह से फिर मच्छी लग गई। और ये है गिसर, चिनिया गिसर। इरफान भी कोशिश करते हुए और मेरे चाचा भी कोशिश करते हुए, फिलहाल थोड़ा सा सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह शाम में आएगी मछली यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं महबूब भाई, फिर विनिंग पर जा रहे हैं। हाँ मुल्ला, अच्छा निकाला आपने। मेरे छोटे भाई जुबैर ने शॉर्ट मछली पकड़ी है, जुबैर की जगह पर मैं आ चुका हूँ। माशाल्लाह दाना तो बहुत अच्छा लग रहा है, काला मुश्का है, और ये निकाला काला मुश्का, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, वेल डन। इरफान को स्ट्राइक हुई है गिसर की। इरफान ज़रा करीब कर, ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन साइज का है। हमारे सामने भी एक कश्ती आके खड़ी हुई है, ये देखें, इन्हें भी माशाल्लाह से लग रही है। ये मछली लग रही है जनाब, ये देखें आप, डबल रोटी, भाई अब्दुल रहमान गोड भी मछली नहीं है, रिपोर्ट जो थी कि मछली नहीं है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल सही रिपोर्ट थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं थोड़ा बहुत तो मिल गया, अल्लाह का बड़ा करम है। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या पकड़ी है आज मछलियाँ, बस अभी आधा पौना घंटा और हम चेक करेंगे, नहीं हुआ तो फिर उसके बाद हम घर के लिए रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों शाम के 4 बजने वाले और मछली बिल्कुल ही गायब हो चुकी है, कुछ भी नहीं लग रहा अभी फ़िलहाल, तो हमारे पास बस 1 घंटा और है, 5 बजे हम इंशाल्लाह यहाँ से लंगर उठाएंगे और वापस किनारे की तरफ चले जाएंगे। तो देखते हैं, अल्लाह ने चाहा अगर 1 घंटे में कुछ हिसाब किताब बन गया तो अच्छी बात है। हसब मामूल कोशिश जारी इरफान की और मेरे चाचा की, लेकिन मछली कहाँ है, मेरा दिल ये पुकारे आजा मछली। दोस्तों टाइम पूरा हो चुका है, मछली कुछ ख़ास तो नहीं लगी, थोड़ी बहुत लगी है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको भी दिखाता हूँ, हम बस अभी लंगर उठा के यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं घर की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी होगा इंशाल्लाह उसकी आपको अपडेट ज़रूर दूंगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब्दुलरहमान गोट से अभी अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं शिकार का, तो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि इतनी कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं है शिकार की। बाय चांस आपको कोई अच्छी जगह मिल गई, अच्छा पत्थर मिल गया, तो आपको चंद कोई दाने मिल जाएंगे, जैसे हमें आज अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए, लेकिन इतनी कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं है फ़िलहाल मछली की। तो बेहतर है कि अभी कुछ दिन रुक जाएँ,
और इंशाल्लाह जैसी कोई अच्छी रिपोर्ट आएगी तो आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं आपको दिखाता हूं कि हमने क्या पकड़ा है। ये देखिए, ये चंद नवाज शरीफ है, ये चंद डामे है, ये एक मुल्ला बड़ा अच्छा लग गया था, ये कलरचे हैं, ये चाया है, और ये चाया देखें, ये पांच दाने हमें बड़े अच्छे मिल गए। तो ये है टोटल आज का शिकार भाई, ये आप देख लें। दोस्तों अल्लाह का शुक्र है हम खैर आफियत के साथ वापस किनारे पे आ चुके हैं। ये देखिएगा, ये अब्दुर्रहमान गोट का किनारा, सारी कश्तियाँ खड़ी हुई हैं। रात की यहाँ पर अच्छी रिपोर्ट है अब्दुर्रहमान गोट पे। मैं कोशिश करूँगा कि मंगल बुध का हम नाइट का प्रोग्राम बना सकें। नाइट में जो है वो शिकार अच्छा लग रहा है, यहाँ पर गूंद वगैरह और हीरे वगैरह जो है ना वो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन दिन में मछली कोई ख़ास नहीं है। मछली तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो इसीलिए अब नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह उसकी वीडियो बना के आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। दोस्तों आज का प्रोग्राम हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए फिशिंग विद ज़ैक। अल्लाह हाफिज़।